तो नॉइज ने कर दी है एक और बजट स्मार्ट वॉच लॉन्च, और आज हमारे पास है कलर फिट विविट कॉल। ये एक बजट स्मार्ट वॉच है जो आती है ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ, और इस वीडियो में देखेंगे कैसी है ये स्मार्ट वॉच और देखेंगे इसके फीचर्स। तो ये है इसका बॉक्स, और बॉक्स में देख सकते हैं इसकी पिक्चर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर डायल में आती है। और यहाँ पर इसके कुछ मेन फीचर्स है, वो है ब्लूटूथ कॉलिंग, 1.69 इंच की TFT डिस्प्ले इसके अंदर मिलती है, और इसके अंदर मिलता है आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट। और इस साइड हम इसके कुछ और फीचर्स देख सकते हैं, जैसे कि 550 निट्स ब्राइटनेस, इनबिल्ट गेम्स, 100 प्लस वॉच फेसेस, अप टू 7 डेज बैटरी लाइफ, 24 आवर्स हार्ट रेट मॉनिटरिंग, और इसमें आपको SPO2 मेजरमेंट भी मिलता है। और पीछे की साइड हम देख सकते हैं इसकी ऐप, वो है नॉइस फिट ऐप, और ये एंड्रॉइड एंड iOS दोनों पर अवेलेबल है। और बात करें अगर इसकी MRP की, तो MRP है इस वॉच का 4999। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये बजट ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, और इसका जो लॉन्च प्राइस है वो है जस्ट 1299, और ये जस्ट लॉन्च प्राइस है, इसके बाद इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो जल्दी से कर लेते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं बॉक्स के कॉन्टेंट। तो ये है हमारी स्मार्ट वॉच। तो सबसे पहले ऊपर मिल जाती है इसकी स्मार्ट वॉच, और गाइस आप देख सकते हो जो कलर है इसका, ये ग्रीन कलर है। इसका जो बॉडी है वो गोल्डन में है, एंड आई मस्ट से कि जो इसकी स्मार्ट वॉच की जो बिल्ड क्वालिटी है 1299 के हिसाब से मुझे काफी अच्छी लग रही है। तो अभी देखते हैं इसको साइड मोड, देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर मिल जाते हैं हमें इसकी चार्जिंग केबल, और जो चार्जिंग केबल है वो स्टैंडर्ड चार्जिंग केबल है, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है। और इसके अलावा बॉक्स में मिल जाती है इसकी डॉक्यूमेंटेशन, तो ये है वारंटी कार्ड, और ये है इसकी यूजर मैनुअल, एंड देन हमें यूजुअल ये जो स्टिकर्स मिलते हैं नॉइस के, वो है इसके अंदर। तो ये थे बॉक्स के कंटेंट, अब जल्दी से देख लेते हैं हमारी वॉच को। तो गाइज ये है कलर फिट विविट कॉल, और मैं क्या कहूँ इसके, मतलब आई थिंक जो बजट में मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी अभी तक मुझे लगी है। इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मुझे लगे, एंड स्ट्रैप्स की क्वालिटी भी अच्छी है। एंड यहाँ पर अगर हम इसकी बॉडी देखें, तो जो बॉडी है वो मेटालिक फिनिश के साथ आती है, और इस वाले जो वेरियंट में जो ग्रीन कलर के साथ आपको गोल्डन कलर की ये जो शेड मिल रहा है। एंड ओवरऑल बोल सकता हूँ कि इसके जो स्ट्रैप की बिल्ड क्वालिटी और ये वाला जो डिज़ाइन है इसकी केसिंग का, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अगर बात करें इसके ओवरव्यू की, तो यहाँ पर मिलती है हमें 1.69 इंच की TFT डिस्प्ले। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको ऊपर की साइड आपको काफ़ी छोटे बेजल मिलते हैं, बट नीचे आप देख सकते हो कि जो बेजल्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं। और साइड में मिल जाता है हमें एक क्राउन, तो ये जो क्राउन है यहाँ पर आपको नॉइस का लोगो दिखता है, और ये फंक्शनल क्राउन नहीं है, बट आपके पास नॉर्मल एक क्राउन है। और पीछे की साइड मिल जाते हैं इसके सेंसर्स, और यहाँ पर है आपके इसका चार्जिंग पॉइंट्स। सेंसर्स पे एक प्लास्टिक की फिल्म चढ़ी, तो आप चाहे तो उसे उतार सकते हैं। और अगर बात करें इसके स्पीकर्स की, तो यहाँ पर इसका स्पीकर और इधर एक माइक है, और एक और माइक है नीचे की तरफ भी है। तो ओवरऑल बोल सकता हूँ कि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, डिजाइन है, और दिखने में जो वॉच है वो बिल्कुल भी बजट प्राइसिंग में नहीं लग रही। 1299 के अंदर आपको काफी अच्छी एक डिजाइन वाली वॉच मिल रही है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब जल्दी से कर लेते हैं इस वॉच को ऑन और दिखाते हैं इसके फीचर्स। तो इसको ऑन करने से पहले आपको बता दूं कि ये वाली जो वॉच है मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे पास जो ब्लैक कलर वाला है मैं इसको एक दिन से ऑलमोस्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसको टेस्ट कर रहा था इसकी फीचर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वॉच है कुछ ऐसी दिख रही है मेरे हाथ पे, और ये जो ब्लैक कलर है इसमें आपके पास ब्लैक स्ट्रैप मिलता है, और जो बॉडी है वो भी आपको ब्लैक कलर की मेटालिक फिनिश में आ रही है। और यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन का डिजाइन की बात करूँ और इसकी जो आउटपुट की बात करूँ, तो जो डिस्प्ले का आउटपुट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बजट में भी जो आउटपुट मिल रहा है आपको काफ़ी ज़्यादा शार्प मिल रहा है। व्यूइंग एंगल तो हालांकि थोड़े से मुझे लगा कि थोड़ी सी कमी है इसमें, बट डिसेंट आपको इसमें आउटपुट मिल रहा है। तो अगर बात करें इसके वॉच फेसेस की, तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके पास जो डिफॉल्ट वॉच फेसेस है वो आप देख सकते हो, और इसके अलावा आपके पास क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस भी है जो इसकी ऐप से आप लगा सकते हो। तो अगर ओवरव्यू की बात करें, तो स्वाइप अप करने मिल जाएंगे आपको यहाँ पर इसकी क्विक सेटिंग्स। तो यहाँ पर है आपके पास D&D, ब्राइटनेस, फाइन फोर एंड सेटिंग्स। तो जो ब्राइटनेस है वो मैं आपको दिखा दूँ कि अभी ये हाफ पर सेट थी, और फुल ब्राइटनेस इसकी कुछ ऐसी है, तो इसको एक बार हाफ पे रख लेते हैं। और अगर चेक करें इस डिस्प्ले का टच रिस्पांस, तो टच रिस्पांस इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि डिस्प्ले 60 हर्ट्ज नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ये डिस्प्ले मुझे लगी, स्टटर नहीं है, लैग नहीं है। 60 हर्ट्ज जैसी स्मूथनेस नहीं है, स्टिल डिस्प्ले की जो परफॉर्मेंस है और टच की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे अच्छी लगी। तो मेन्यू की अगर बात करें, तो सबसे पहले मिल जाती है यहाँ पे नॉइज हेल्थ, और यहाँ पर आपके पास कुछ हेल्थ फीचर्स है जैसे कि एक्टिविटी, यहाँ पर आप अपनी करंट डेज की फिटनेस एक्टिविटीज चेक कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर है हार्ट रेट, जिसे हम आगे टेस्ट करेंगे। एंड देन मिल जाता है हमें स्लीप, और यहाँ पर हमारे पास लास्ट नाइट की स्लीप डिटेल है, तो मैंने इसको रात को पहन के सोया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरी स्लीप दिख रही है वो 6 hours 49 minutes की दिख रही है, और यहाँ पर दिख रहा है टोटल स्लीप टाइम एंड अप टाइम। इसमें कुछ अवेक टाइम भी है, तो वो अवेक टाइम इसमें ये काउंट नहीं कर रहा, विच इज़ गुड। यूजली क्या होता है कि अवेक टाइम भी बहुत सारी स्मार्ट वॉचेज इसमें स्लीप में काउंट कर रही थी। और उसके बाद हमें यहाँ पर, उसके बाद जो मेन मेन्यू में यहाँ पर हमारे पास है स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ मिलते हैं हमें रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, बैडमिंटन, तो ये कुछ स्पोर्ट्स मोड यहाँ पर अवेलेबल हैं। और आई थिंक इसमें नीचे जो प्लस का आइकॉन, अगर इसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो लिस्ट है इसे आप अपने स्पोर्ट्स मोड की लिस्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर मिल जाता है आपको मैसेजेस, जो कि नोटिफिकेशन की हिस्ट्री है। एंड देन यहाँ है नॉइस बज, तो नॉइस बज में आपको कॉलिंग के फीचर मिलते हैं, जो कि रीसेंट कॉल, डायल पैड एंड कॉन्टैक्ट। तो अगर कॉल की स्पीकर की बात करूँ, तो यहाँ पर मैं आपको सुना देता हूँ कैसी है इसकी स्पीकर की वॉल्यूम। आपका वर्तमान डेटा बैलेंस 1.9 GB है।
तो जैसा आपने सुना कि जो इसकी स्पीकर की वॉल्यूम है वो ठीक ठाक सी है। अगेन अच्छी बात यह कि कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है बजट प्राइस में जो स्मार्ट वॉचेस आती है उनके स्पीकर में लाउड करते ही, उन्हें फुल वॉल्यूम करते ही थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाती है, तो इसमें वो नहीं है। बाकी अगर बात करें तो यहाँ मिलता है हमें कॉन्टैक्ट, जिसे आप अपनी फोन की ऐप से सिंक कर सकते हो। तो फोन फीचर्स के बाद मिलते हैं हमें यहाँ पे वेदर, तो यहाँ पर आपको मिलता है करंट वेदर का कंडीशन, एंड देन यहाँ पर वेदर फॉरकास्ट है अपकमिंग फ्यू डेज का। वेदर के बाद मिलता है हमें यहाँ पे कैमरा, जिससे आप अपने फोन का कैमरा कंट्रोल कर सकते हो। देन यहाँ पर है म्यूजिक, स्टॉपवॉच, अलार्म एंड टाइमर। और टाइमर के अंदर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर आपके पास प्रीसेट टाइमर्स मिलते हैं, बट इसमें आप कोई भी कस्टम टाइमर नहीं लगा सकते। देन यहाँ पर जो फीचर है वो है ऐप, जो यहाँ पर आपके पास जो QR कोड है ऐप का। एंड देन यहाँ है फाइंड फोन, उसके बाद मिलता है हमें यहाँ पे ब्रीथ, तो जो ब्रीथ से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन है, 1 मिनट और 2 मिनट। एंड देन यहाँ पर है सेटिंग्स, जिसे हम आगे चेक करेंगे। एंड इस वॉच में आपको गेम्स मिलती है, तो आपके पास दो गेम्स है, फ्लॉपी बर्ड एंड हैमस्टर। तो गेम्स मिल रही है आपको इस बजट स्मार्ट वॉच में, अगेन ये बहुत अच्छी बात है। एंड गेम्स के बाद जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है हमें AI वॉइस, जिससे आप अपने गूगल असिस्टेंट और सिरी को यूज़ कर सकते हो। एंड लास्टली इस वॉच में हमें कैलकुलेटर मिलता है, और कैलकुलेटर मिलना भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है। बहुत सारी जो बजट स्मार्ट वॉचेज है वो कैलकुलेटर, गेम्स ये सब मिस आउट कर देती हैं, बट इस स्मार्ट वॉच में अंदर वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो लास्टली इस वॉच की सेटिंग्स हम चेक कर लेते हैं। तो सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले मिलती है हमें इसके डायल पैड, जो कि वॉच फेसेस हैं। देन यहाँ पर आपके पास वाइब्रेशन एंड रिंग की सेटिंग्स, तो या फिर आप इसको म्यूट कर सकते हो, रिंग लगा सकते हो, रिंग एंड वाइब्रेशन, या फिर वाइब्रेशन, तो आप अपने हिसाब से इसको जो कॉलिंग की सेटिंग्स है उसको चूज कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर आपके पास ब्राइटनेस है, एंड देन यूजुअल ऑप्शन है वो है पावर ऑफ, रीसेट एंड रीस्टार्ट। तो गाइज ये थे इस स्मार्ट वॉच के फीचर्स, और अगेन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि बजट में भी आपको ये मोस्टली एसेंशियल फीचर तो मिल रही हैं, प्लस एडिशनल फीचर मिल रहे हैं, जैसे गेम्स मिल रही है आपको इसके अंदर, और आपको कैलकुलेटर मिल रहा है। फ्लैशलाइट हालांकि मुझे मिसिंग लगी इसके अंदर, बट ओवरऑल बोल सकता हूँ कि काफी अच्छे फीचर्स हैं स्मार्ट वॉच के। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने इस वॉच को यूज किया कुछ दिन, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, काफी कंफर्टेबल मुझे लगी, स्ट्रैप्स की क्वालिटी मुझे बहुत सॉफ्ट लगी, और ये जो वॉच है वो मुझे काफी ज्यादा लाइट वेट लगी हाथ पे। हालांकि इसमें आपको मेटल बॉडी मिलती है, स्टिल ये वॉच बहुत लाइट वेट है। ओवरऑल बोल सकता हूँ कि जो नॉइस की विविट कॉल वॉच है ये डिजाइन में तो अच्छी है, साथ में फीचर्स में मुझे अच्छी लगी। तो एक बार जल्दी से आपको इसके दिखा देते हैं हेल्थ फीचर्स, कैसी है इसकी हेल्थ ट्रैकिंग। तो अगर बात करें इसके हेल्थ ट्रैकिंग की एक्यूरेसी की, तो हमारे पास यहाँ पे डेडिकेटेड ऑक्सीमीटर है, तो इससे कंपेयर कर लेंगे दोनों का डेटा। तो एक बार मैं वॉच में चेक कर लेते हैं कैसा आ रहा है इसका हार्ट रेट का डेटा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो हार्ट रेट का डेटा आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 106, 107, और इधर भी 106, 107 आ रहा है। और ये बोल रहा हूँ तो मेरा हार्ट रेट थोड़ा ज्यादा है, और आप देख सकते हो दोनों का जो डेटा है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट है, सिमिलर रीडिंग आ रही है दोनों में। तो इस वॉच का जो हार्ट रेट का डेटा है वो मुझे एक्यूरेट लगा। और अगर बात करें अगर इसकी SpO2 की, तो SpO2 की रीडिंग हमारे यहाँ पर वॉच पर आ रही है वो आ रही है 98, और यहाँ पर जो ऑक्सीमीटर में आ रही है 94, यहाँ पर 97। तो ऑक्सीमीटर में आपको थोड़ा सा आपको डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो डेटा है जस्ट रेफरेंस के लिए है, इसे मेडिकल पर्पसेस के लिए आप कभी भी ना यूज़ करें। जस्ट कैजुअल अगर आपको चेक करना है अपना हार्ट रेट और SpO2, तो ज़रूर आप इसे यूज़ कर सकते हो वॉच को। तो अगर बात करें स्मार्ट वॉच की ऐप की, तो जो ऐप है वो है नॉइस फिट, और इसे मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ, तो एक बार जल्दी से आपको जस्ट इसके मेन फीचर्स आपको दिखा देता हूँ क्या इसमें नया है। तो ये है इसकी ऐप, और ऐप में आप देख सकते हो सबसे पहले ऊपर आपको मिल जाएगा आपका हेल्थ डेटा। तो यहाँ पर आपके पास कैलोरीज हैं, स्टेप्स हैं, और डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया हो। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास हार्ट रेट का डेटा है, स्लीप का डेटा है, तो स्लीप में आप चेक कर सकते हो अपनी जो लाइट स्लीप है, डीप स्लीप है। REM का हालांकि डेटा इसमें नहीं आया। उसके अलावा जो आपके पास मिल जाते हैं आपके स्टेप काउंट, डिस्टेंस और ये सब कुछ। तो एक बार आपको इसकी वॉच की सेटिंग्स का पेज दिखा देते हैं। तो ये है इसकी डिवाइस की सेटिंग्स का पेज, और यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएंगे बैटरी का स्टेटस, और देन मिलते हैं हमें यहाँ पे वॉच फेसेस। तो जो वॉच फेसेस आपको मिलते हैं स्मार्ट वॉच के लिए, आपके पास 100+ क्लाउड बेस्ड वॉचेस मिलते हैं, और जो वॉच फेसेस के जो ऑप्शन है वो कुछ ऐसे हैं, और ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जो वॉच फेसेस के जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो ठीक ठाक से हैं इस वॉच के हिसाब से। इसके अलावा जो आपके पास एक कस्टमाइज वॉच फेस का ऑप्शन है, इसमें आप अपनी गैलरी से फोटो यूज़ कर सकते हो या फिर कैमरा से क्लिक कर सकते हो। और वॉच फेसेस के बाद जो ऑप्शन है वो है नोटिफिकेशंस, तो यहाँ पर आप अपनी ऐप की नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हो, और ये ऐप चूज़ कर सकते हो जिसकी आपकी नोटिफिकेशन आपको अपनी वॉच पर चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास SMS का अलर्ट है, एंड देन यहाँ पर आपके पास कॉल का अलर्ट है जिसे हमने इनेबल कर दिया। तो अगर बात करें इसके नोटिफिकेशन की, तो दिखाते हैं कैसी आती है इस वॉच के अंदर कॉल की नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉलर का नेम, और यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, कॉल को कट करने का, उठाने का, और यहाँ पर आई थिंक इसको म्यूट करने का ऑप्शन है। और यहाँ पर कॉल उठाने के बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो है माइक का, कॉल ट्रांसफ़र करने का, और यहाँ पर जो वॉल्यूम का ऑप्शन है, एंड यहाँ से आप कॉल को कट कर सकते हो। और अगर टेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें, तो कुछ ऐसी आती है इसमें टेक्स्ट की नोटिफिकेशन, और यहाँ पर आपके पास आ गया सेंडर का नेम, और यहाँ पर आ गया प्रीव्यू टेक्स्ट का। तो इस वॉच के अंदर आपको क्विक रिप्लाई का फीचर नहीं मिलता, और इमोजी सपोर्ट भी इस वॉच के अंदर आपको नहीं मिलते। तो नोटिफिकेशन के पास जो आपके पास सेटिंग्स है वो है हेल्थ मॉनिटर, और यहाँ पर आपके पास SpO2 मेजरमेंट का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप SpO2 अपना स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर सेडेंटरी रिमाइंडर है, जो कि वॉक रिमाइंडर है, जिसे आप टर्न ऑन कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर आपके पास जो यूजुअल ऑप्शन है वो है अलार्म, गूगल फिट, कॉन्टैक्ट्स, जिसे आप सिंक कर सकते हो अपनी वॉच से।
एंड देन यहाँ पर वेदर की सेटिंग्स है, फाइंड फोन है, कैमरा शटर है, तो रिस्ट सेंस जो है वो है रेस टू वेक, और इस वॉच में आपको रेस टू वेक मिलता है। तो अगर बात करें रेस टू वेक की परफॉर्मेंस की, तो एक बार चेक करते हैं कैसे काम करती है ये। और आप यहाँ देख सकते हो कि जो रेस टू वेक की परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है, इतना ज्यादा डिले भी नहीं है। बजट प्राइस के हिसाब से बोल सकता हूँ कि इसका जो रेस टू वेक है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो गाइज ये थे स्मार्ट वॉच एंड ऐप के फीचर्स। और गाइज ये जो प्राइसिंग है स्मार्ट वॉच की, बजट में होते हुए आपको सारे के सारे कॉलिंग फीचर्स ये सब कुछ आपको ऑफर कर रही है। मोस्टली एसेंशियल फीचर आपके पास अवेलेबल है इस वॉच में, और ये वॉच दिखने में तो अच्छी है ही है। साथ में जो इसका जो कंफर्ट है वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, मेटल बॉडी में आती है। स्टिल इसका जो वेट है वो काफी ज्यादा लाइट वेट है। और अगर बात करें इसके हेल्थ डेटा की, तो हेल्थ डेटा की एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है, कोई भी फॉल्स डेटा इसमें नहीं आया। और इसमें जो स्टेप काउंट है वो भी मुझे बहुत एक्यूरेट लगा। बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो बैटरी बैकअप है इसमें अप टू 7 डेज का, लेकिन अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग ऑन करते हो तो अराउंड 2 से 3 दिन आपको बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा इसके अंदर। और कॉलिंग की अगर बात करें तो कॉलिंग में माइक की क्लैरिटी मुझे अच्छी लगी, स्पीकर भी इसका ठीक ठाक सा है। तो ओवरऑल बोल सकता हूँ कि अगर आप एक बजट ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हैं अराउंड 1500 के अंदर, तो ये जो स्मार्ट वॉच है विविट कॉल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप खरीदना चाहते हो स्मार्ट वॉच, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।